तो गाइस यार पीसी तो बन चुका है और बन के पूरा रेडी है। अब तो अभी आपको क्या करना है ना, आपको जो है पीसी को ऑन करना है। तो ऑन करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और कैसे आपको जो है विंडोज़ इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो सारा प्रोसेस जो है अभी आपको पता चलेगा। तो देखो गाइस, अगर आप HDMI केबल यूज़ कर रहे हो, VGA केबल भी यूज़ कर सकते हो और HDMI भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप डिस्प्ले पोर्ट भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी केबल आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो है डिस्प्ले पोर्ट और HDMI पोर्ट ही यूज़ करना मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अगर HDMI पोर्ट आप में सपोर्ट नहीं है, तभी जाके आप VGA पोर्ट यूज़ करना। इसके बारे में अलग से एक वीडियो बन सकता है गाइस कि कौन सा पोर्ट हमें यूज़ करना चाहिए, तो वो बाद में देख लेंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आया तो कर लेंगे गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो, मतलब मेरा जो है मदरबोर्ड पे जो HDMI केबल, डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट सारा कुछ है गाइस। देखो मेरे यहाँ पे जो है, हाँ यहाँ देख सकते हो आप, HDMI पोर्ट है ये, और ये जो है डिस्प्ले पोर्ट है। यहाँ नहीं लगाना आपको, आपको ग्राफिक कार्ड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें लगाना है, और अगर आप ग्राफिक कार्ड नहीं यूज़ कर रहे हो तो यहाँ मदरबोर्ड पे लगा सकते हो गाइस। तो मैंने यहाँ लगा दिया है। अब जो है आपको ऑन करने के लिए आपके पास एक बूटेबल पेन ड्राइव होना चाहिए गाइस। तो मेरे पास जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो ये है मेरा। तो और बनाने का प्रोसेस आपको मिल जाएगा। मेरे पीसी रिलेटेड जितने वीडियोस थे, प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, आप जाओ वहाँ पे प्लेलिस्ट जो है पीसी बिल्ड नाम का प्लेलिस्ट जो होगा उसमें आप देख सकते हो गाइस। तो इसको जो है आपको लगाना है, तो पीसी में मैं लगा देता हूँ उसको। तो यहाँ मैंने इसको लगा दिया है, अब जाके हम इसको टर्न ऑन करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना UPS ऑन करता हूँ। इस पावर बटन को दबाने से पहले ऑन आपका इसको जो है आपको ऑन करना पड़ेगा। तो इसको ऑन करो, पावर बटन को क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही देखोगे यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा सिस्टम। बूम, ऑन करते ही पीसी जो है मेरा पहली बार में ही ऑन हो चुका है। देखो आ गया है, अभी जो बोल रहा है कि F1 की दबाने के लिए ताकि सेटअप में जा सकूं। गाइजर अभी जो है हम विंडोज़ को इंस्टॉलेशन करें, मतलब विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे। इसमें विंडोज़ 10 इंस्टॉल होने वाला है और क्या कुछ प्रोसेस है वो सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। तो F1 दबा देते हैं, हम सेटिंग पे चले जाएंगे। F1 मैंने दबा दिया, देख सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पे जो है बायोस आ चुका है मेरा। ये मेरा बायोस है, देख सकते हो, ये अपना सिस्टम बायोस है। तो गाइस यार यहाँ पे देख सकते हो बायोस सेटिंग तो ऑन है। अभी जो है सिंपली आपको F7 दबाना है। F7 दबाने के बाद जो है आप सीधा एडवांस सेटिंग में चले जाओगे। तो एडवांस सेटिंग आ चुका है यहाँ पे गाइस यार, आपको एक ही काम करना है। अभी तो जो है हम बूट के लिए देख रहे हैं, तो ये जो है हमारा बूट होगा, इसीलिए मैं जो हूँ ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बूटिंग फर्स्ट टाइम कैसे आपको करना है वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं गाइस। अगर आप बायोस के बारे में जानना चाहते हो तो उसके ऊपर जो है दूसरा वीडियो आएगा गाइस। तो पहले यहाँ पे एडवांस सेटिंग पे आ चुके हो, अभी जो है यहाँ सारे इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो मेरे, मतलब सिस्टम में क्या क्या है, मेरा CPU स्पीड कितना है, मेरा DDR4 RAM का स्पीड कितना चल रहा है, CPU टेम्परेचर कितना चल रहा है, मदरबोर्ड टेम्परेचर कितना चल रहा है, सारा कुछ यहाँ पे डिटेल शो कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है डिटेल शो कर रहा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है अब जो है हमें सेटिंग पे जाना है और बूट पे जाना है। और गाइस यार यहाँ पे बूट ऑप्शन #1 लिखा है, जहाँ पर वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और विंडोज़ जो है हम इंस्टॉलेशन करेंगे, तो इसके लिए जो है आपके USB जो आपने डाला हुआ है वो क्या दिखा रहा है यहाँ पे देख सकते हो, USB की HP V210W11, ये मेरा जो USB मैंने अभी डाला हुआ है तो वो दिखा रहा है। तो उसको हमें सेलेक्ट कर देना है, और सिलेक्ट करने के बाद तो अब जो है गाइस, अगर आपको सिस्टम को ओवरक्लॉक करना है गाइस, अगर आपके पास ओवरक्लॉक वाली आपके मदरबोर्ड जो है ओवरक्लॉक को सपोर्ट करता है, तो आपको सिंपली यहां पे F10 दबा देना है। F10 दबाओगे तो ओवरक्लॉक का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। देखो F10 दबा दिया, ये देखो गाइस, तो ये जो है आपका यस कर देने से आपका सिस्टम जो है ओवरक्लॉक हो जाएगा। दैट्स इट गाइस, तो हो चुका है सब कुछ जो है। अगर ओवरक्लॉक आपको करना है ना, तो यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, आप वहाँ पे दबा सकते हो। यहाँ पे जो है आपको एंटर कर देना है और बूट स्टार्ट हो जाएगा गाइस। आपका सिस्टम जो है बूटिंग स्टार्ट हो चुका है। सकता है गाइस आपका जो सिस्टम है पहली बार ओपन होने में थोड़ा बहुत टाइम लगे, क्योंकि ये जो है पहला है ना, इसीलिए जो है हमें टाइम लग सकता है गाइस। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा जो है अभी देखो
ये आएगा कि नहीं, मैं वेटिंग में हूँ गाइस। देखो गाइस अभी जो है MSI लिखा आ गया था वहाँ पर, और क्या क्या होगा वो तो बाद में पता ही चल ही जाएगा। देखो हो रहा है, मैं जो हूँ तो टोटली स्कीप नहीं करने वाला हूँ गाइस। यहाँ पे जो है आपका विंडोज़ आ चुका है, अब जो है जैसा डिफ़ॉल्ट है आपको नेक्स्ट नेक्स्ट कर जाना है और इंस्टॉल नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। तो अब जो है हमारा विंडोज़ इंस्टॉल शुरू हो जाएगा। फिर अगर आप चाहते हो कि पूरा का पूरा पीसी बिल्ड कैसे करना है तो उसके रिगार्डिंग जो है पीसी बिल्ड नाम का एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, तो उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी जो है हमें मांग रहा है, क्या मांग रहा है देखते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें विंडोज़ का प्रोडक्ट की मांग रहा है, मतलब इसको जो है एक्टिव करने के लिए बोल रहा है, तो हमारे पास अभी तो नहीं है। तो आई डोंट हैव प्रोडक्ट की नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इस पर आपको जो है मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखो गाइस ये रहा लिखा हुआ है आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की, तो उस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। अब जो है विंडोज़ 10 64 बिट, तो इसको जो है मैंने, हाँ इसको ही रखना है था विंडोज़ 10 64 बिट। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट करना है, अभी जो है एक्सेप्ट कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। अब जो है यहाँ पे देख सकते हो दो विंडोज़ आपके सामने आएंगे, एक आएगा अपग्रेड इंस्टॉलेशन विंडोज़ एंड की फाइल सेटिंग्स, ऐसा नहीं है, हमें नीचे वाला कस्टम सेट करना है। और यहाँ पर जो है एक ड्राइव दिखा रहा है हमारा सैमसंग का ओनली, मैंने जो है एक ही ड्राइव इसमें डाला हुआ है, तो अब जो है उसको सिलेक्ट करके मैंने नेक्स्ट कर दिया है। तो अब जो है विंडोज़ इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है गाइस, ऑन आफ्टर अनदर देख सकते हो वहाँ पर काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, परसेंटेज 13-14 करके परसेंटेज जो है बढ़ रहा है। तो विंडोज़ जो है मेरा इंस्टॉल हो रहा है गाइस, तो वेट कर लेते हैं। गाइस जब देखा आपने तो जो प्रोसेसिंग जब हो चुका था पूरा का पूरा 100%, उसके बाद जो है मतलब जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो साथ ही साथ आप उसको पेन ड्राइव को जो है निकाल लो, अपना जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो उसे जो है निकाल लेना पड़ेगा, और निकाल लेके आपको एंटर प्रेस कर देना पड़ेगा। और उसी तुरंत बाद जो है आपका सिस्टम एंटर प्रेस करते ही आपका सिस्टम जो है रिस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो रिस्टार्ट होना शुरू हो चुका है, गेटिंग रेडी, अपना सिस्टम जो है गेटिंग रेडी। हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा लेट हो क्योंकि जो है हमारा सिस्टम पहली बार बूट हो रहा है। तो गाइस यार देखो यहाँ पे जो है गेटिंग रेडी ऐसा लिखा आ रहा है, हो सकता है कि एक बार नहीं दो बार तीन बार भी आपका जो सिस्टम है वो अपडेट हो सकता, मतलब रिस्टार्ट हो सकता है, मतलब एक बार हो चुका है देख सकते हो अभी ब्लैक हो गया स्क्रीन, हो सकता है अभी एक बार हो, दो बार तीन बार हो सकता है, ऐसा होने के बाद जो है रेडी हो जाएगा गाइस आपका सिस्टम। देखो जस्ट अ मोमेंट आ गया है, तो इस तरह जो है आ जाएगा आपका, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो अगला विंडो जो है यहाँ पे आ चुका है, लेट्स यस कर देना है। तो सेकंड कीबोर्ड लेआउट आपको चाहिए कि नहीं, तो हमें नहीं चाहिए, हम स्किप कर देते हैं। और यहाँ देख सकते हो नेट के साथ अभी कनेक्ट करना पड़ेगा, और कनेक्ट करके जो है हमें प्रोडक्ट की ख़रीदना पड़ेगा गाइस विंडोज़ का। तो इंटरनेट के साथ हम अभी जो है कनेक्ट कर देंगे इसको, यस कर देना है, और कनेक्ट हो रहा है गाइस, कनेक्टेड देख सकते हो गाइस यहाँ पे जो है नेटवर्क के साथ ये कनेक्टेड हो गया है। नेक्स्ट क्लिक करते ही ये कनेक्ट हो चुका है। अभी जो है इसमें जो है बहुत कुछ डालना है गाइस, उसके बारे में वीडियो जो है अगली वीडियो में आएगा गाइस, तो वो वीडियो गाइस देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नया पीसी बना रहे हो ना, तो वो वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो जैसा है, मतलब अगर आप घर में एक पीसी बिल्ड कर रहे हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं ना, वो एक के बाद एक आपको चाहिए ही, मस्ट चाहिए। अगर वो नहीं देखोगे ना, तो आप जो है जो स्टेप्स यहाँ पे बताया गया है एकदम डिटेल वही स्टेप सारा कुछ आपको करना पड़ेगा, तो ये सारा वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे गाइस। और अगला वीडियो जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो जो है हो चुका है गाइस, अभी जो है मेरे को एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, अकाउंट क्रिएट मतलब माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोल रहा है मेरे को। तो यहाँ पर जो है आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते। तो गाइस ये सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है, अभी खाली एक्सेप्ट करना है। आपको क्या क्या चाहिए, हाय देखो लिखा गया हाय,
आपको जो जो चाहिए होगा आपको लिखा आ जाएगा, तो आप देते चले जाना। वो तो आपको पता ही, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया या फिर आप क्या क्या कर इसमें सर्च करना चाहते हो, वो सारा कुछ आएगा। तो वो सब आप नेक्स्ट मारते मारते जाओ, कुछ अगर चाहिए होगा तो चेंजेस करो आपके अकॉर्डिंग, वो आपको पता चल ही जाएगा। दो तीन स्टेप है जो कि मतलब मैंने दिखाया नहीं है, तो वो कोई इम्पोर्टेंट थिंग नहीं है। अगर आप नेक्स्ट कर जाते हो तो भी कोई टेंशन होने वाली बात नहीं है। उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद जो है आप देख सकते हो, दिस माइट टेक सेवरल मिनट्स। तो अभी जो है डोंट शट अप, डोंट टर्न ऑफ योर पीसी। तो अभी जो है पूरा का पूरा सिस्टम रेडी हो रहा है और बूट होके आपके सामने आ जाएगा गाइस। मैंने जो है अपना विंडोज़ को SSD में, जो NVMe SSD होते हैं ना, उसमें जो है मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसका मतलब जो है बहुत ही फास्ट बूटिंग होना चाहिए। तो बाद में देखेंगे कितना फास्ट बूटिंग होता है गाइस। मोस्ट देयर, तो अभी हो गया, देख सकते हो गाइस आ चुका है मेरा जो है सिस्टम ऑन हो चुका है गाइस। तो ये मतलब अभी जो है मेरे को ये तो विंडोज़ तो इंस्टॉलेशन हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना, तो विंडोज़ तो मैंने डाल लिया है, लेकिन ये जो विंडोज़ है ना ये एक्टिवेटेड नहीं है, इसमें जो है कोई प्रोडक्ट की नहीं है। तो मुझे जो है प्रोडक्ट की ख़रीदना है, तो कैसे आप इसको एक्टिव कर सकते हो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस मेरे, जो अगर आप एक नए पीसी खुद बिल्ड कर रहे हो ना, तो ये सारा जो प्रोसेस होगा ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर आपको जानना है इसके बारे में, अगर आप बिल्ड कर रहे हो ना, तो पूरा एक प्लेलिस्ट है, तो मेरे चैनल पे जो है एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है पीसी बिल्ड नाम का। तो वहाँ पे जाके आपको डिटेल, पूरा का पूरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा सब कुछ जानने के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को दबाना भूलना मत गाइस। दैट्स इट गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।